हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल। आज मैं जो इस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ब्राह्मणिक हेजेमनी स्टडीज़ इन कास्ट जेंडर एंड वैष्णव थियोलॉजी। इसकी जो राइटर हैं वो सुवीरा जायसवाल हैं। ये बुक थोड़ी सी अलग है। मैं ये जानने के लिए बुक का रिव्यू कर रहा हूँ कि मेरे जो रीडर व्यूअर्स हैं वो किस तरह के हैं, उनके लिए ये बुक के रिव्यू बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। सुवीरा जायसवाल की बात करूं तो ये JNU के अंदर प्रोफेसर रह चुकी हैं। इनका जो मेनली जो मेजर वर्क है वो कास्ट जो अपना स्ट्रक्चर है इंडिया का एंशंट टाइम से लेकर के, उसके ऊपर इनका मेजर वर्क जो है हमें मिलता है। और इनका पहली राइटिंग जैसे मैं बताऊँ इनकी, इनका रिटायरमेंट JNU से हो गया था 1999 के अंदर। और इनकी जो मेजर बुक है वो है द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म। इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 1967 के अंदर आया है। फिर इन्होंने सेकंड एडिशन इसका लिखा है 1981 में। दूसरा एडिशन है, दूसरा जो बुक है वो है कास्ट ओरिजिन फाउंडेशन एंड डायमेंशंस ऑफ चेंजेस, 1998 में इसको इन्होंने लिखा है। इसके बाद इन्होंने ये जो बुक है इसके अंदर जो इनके, एक तो होती है बुक जिसके अंदर की जो रिसर्च होती है उसको बहुत एलोबरेट करके उसके अंदर लिखा जाता है। और ये जो बुक है जो इनका प्रॉपर पूरे लाइफ का जो वर्क है उस, और जो छोटे छोटे उनके आर्टिकल्स हैं जो इधर उधर पब्लिश हुए हैं जो उनकी पूरी रिसर्च जर्नी को दिखाते हैं वो इस बुक के अंदर हमें मिल जाती है। इसके अंदर हमें जो फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है दोनों का क्रक्स हमें मिल जाता है। तो इनकी जो पूरी लाइफ में इन्होंने जो रिसर्च की है, इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें यहाँ पर जानने के लिए मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें कुछ 8 चैप्टर मिलते हैं जिसमें पावर स्टेटस ऑफ एथनिसिटी इन कास्ट फॉर्मेशन। अब जो कास्ट फॉर्मेशन है उसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके इसके अंदर इन्होंने फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है, जो फीमेल सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी इन्होंने एक लेख लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने क्या फीमेल की इमेज बताई है। और साथ में थर्ड पार्ट में इन्होंने यहाँ पर इनकार्नेशन ऑफ विष्णु वगैरह और ये सब डाल के जो वैष्णविज्म से जो कास्ट स्ट्रक्चर पर फ़र्क पड़ा था उसको भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। और इन्होंने फर्स्ट में यहाँ पर जो कहीं की कोट डाला है वो B.R. अम्बेडकर का डाला हुआ है। इसके पब्लिकेशन ईयर की मैं बात करूँ, इसका पब्लिकेशन ईयर है 2016। तो ये इनके आर्टिकल्स हैं। हालांकि बुक्स के अंदर वो ढेर सारे चैप्टर्स में आर्टिकल को एलेबोरेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक एक आर्टिकल जो है वहाँ पर लिया हुआ है। 8 आर्टिकल के अंदर इनका जो पूरा का पूरा जो लाइफ का काम है, रिसर्च है, वो पूरी पूरी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब इसका पब्लिकेशन जो है तुलिका बुक्स है। तुलिका बुक्स जो है मैंने देखा था कि बच्चों की बुक्स है उनको पब्लिश करती है मेजरली, और रिसर्च बुक भी पब्लिश करती है। और इसका जो पेपर क्वालिटी और जो पब्लिशिंग का मैं चीज़ बताऊं तो सबसे बेस्ट अगर कहीं पे मैंने देखी है कोई पब्लिशर जिसने बहुत इतमिन कहें कि बड़े एक एक चीज़ का ध्यान रख के जिन्होंने कुछ पब्लिश किया हो, एक पेपर क्वालिटी इसकी देख लीजिए आप, इसकी बाइंडिंग देख लीजिए आप, इसका कवर देख लीजिए आप, इसका कहें कि कवर पे जो एक होता है डिजाइन जो क्लासिक लुक देता है किसी भी बुक को वो देख लीजिए, तो वो इसके अंदर बहुत बेहतरीन है। बड़े कहें कि एक स्टैंडर्ड बुक हमें देखने के लिए मिलती है। मैंने आज तक कितने बड़े पब्लिकेशन हों, भले जैसे मेजरली जो चलते हैं जैसे पेंगविन है, ये सब है, इनके बुक की जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके जो पेजेस हैं अब तक की जितनी मैंने बुक्स देखी हैं उनमें सबसे अच्छे पेजेस मुझे इस बुक के मिले हैं। अब आप इन चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पर कंटेंट देख सकते हैं। इन चीज़ों के लिए अगर इस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट इंडिया के लिए, कास्ट को अगर आप एंशिएंट इंडिया में समझना चाहते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी हमें कास्ट का टॉपिक एंशिएंट इंडिया में पढ़ाया जाता है तो सुवीरा जायसवाल की बुक जो है वो रिकमेंड की जाती है। लेकिन सुवीरा जायसवाल की सिर्फ एक यही बुक है जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बाकी दो बुक्स जो मैंने आपको पीछे बताई हैं ये दोनों बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं। इनका जो ग्रंथ शिल्पी पब्लिकेशन है वो हमें इनका हिंदी वर्जन प्रोवाइड करवा देते हैं, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म, कास्ट ओरिजिन फाउंडेशन एंड डायमेंशंस ऑफ चेंज। ये दोनों बुक्स जो हैं वो हमें हिंदी के अंदर मिल जाती हैं। बट ये जो बुक है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका चैप्टर किस तरह से है।
ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक रिसर्च बुक की तरह हमें मिलती है, जिसमें बुक के बाद में सारा का सारा जो है कहाँ कहाँ से इन्होंने लिखा हुआ है वो हमें मिल जाता है। हालांकि इंट्रोडक्शन में भी जो इन्होंने लिखा हुआ वो एक एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद में ये है सबसे पहला चैप्टर है पावर स्टेटस एंड एथनिसिटी एंड कास्ट फॉर्मेशन। अब इसके अंदर देखिए जो रिसर्च आर्टिकल होता है, जिस तरह से जे स्टोर में मैंने देखा था ये इस आर्टिकल को, फिर बाद में इस बुक के अंदर मैंने देखा है तो ये काफ़ी छोटा है। जैसा रिसर्च आर्टिकल होता है उतना ही इसकी लेंथ है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और इसमें इसके बाद में जो इसकी बिब्लियोग्राफी है वो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाती है। नोट्स हैं कह लो इसको, या फिर इसके बाद में जो आएगा इसको भी समझाने के लिए इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके नोट्स दिए हुए हैं कहाँ कहाँ से इस चीज़ों को इन्होंने उठाया है। तो एच डी सांकल्या की द आर्यन एनिग्मा, ये सब जो भी हैं इन्होंने अब तक जहाँ जहाँ से चीज़ों को पढ़ा है वो सब यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं सेकंड चैप्टर इसका कास्ट जेंडर एंड आइडियोलॉजी इन द मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल इंडिया, ये भी है कुछ 5 पेजेस में ये चैप्टर होगा, 5 से 7 पेज में। इसकी देखो बिब्लियोग्राफी कितनी बड़ी है, क्योंकि एक रिसर्च आर्टिकल की, किसी भी रिसर्च पब्लिकेशन की जो भी है एक खासियत होती है कि वो आपको एक एक चीज़ का साइटेशन यहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर इंटरप्रेटिंग द डायनेमिक्स ऑफ सोशल डिफ्रेंसिएशंस इन अर्ली इंडिया, आर एस शर्मा एंड क्लास एंड कास्ट। अब जो आर एस शर्मा का जो वर्क है उसका इन्होंने यहाँ पर कहें कि उस पर क्रिटिक कह लो, या फिर उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके अपने जो व्यू हैं, टिप्पणी कहते हैं, हालांकि उसको टीका भी कह सकते हैं, तो उस को यहाँ पर इन्होंने इस के अंदर लिखा है, इस आर्टिकल के अंदर। अब सेकेंड पार्ट आ जाता है यहाँ पर, जिसमें फोर्थ चैप्टर है एवोल्यूशन ऑफ पेट्रियार्की इन ब्राह्मणिज्म द अर्ली फेजेस, तो शुरुआत में जो पेट्रियार्की थी ब्राह्मणिज्म में वो किस तरह की थी उसके बारे में यहाँ पर चैप्टर है। फिर इसमें है इनकारनेशन ऑफ रामा और विष्णु, ऐसा भी कुछ चैप्टर है इसके अंदर। फीमेल इमेजेस इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या, ये 5th चैप्टर है। हाँ, ये विष्णु इनकारनेशन ये आ गया हमारे पास, ये चैप्टर जो है, तो विष्णु का जो अवतार है वो हमें यहाँ पर उसके बारे में आर्टिकल मिल जाता है। विष्णुज इनकारनेशन स्ट्रेटेजीज ऑफ कल्चर हेजेमोनी, तो उसके आधार पर जो विष्णु का अवतार है उसके आधार पर किस तरह से हेजेमोनी को स्थापित करने का प्रयास था उसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल हमें ये मिलता है। अब ये शायद लास्ट चैप्टर होगा इनकारनेशन के बाद में। आप बोलोगे कैसे पेज पलट रहा है ये, मैंने सब पे नोट्स नहीं लगाए हुए ना, स्टिकी नोट्स। एवोल्यूशन ऑफ नरसिम्हा, जो नरसिम्हा लीजेंड एंड इट्स पॉसिबल सोर्सेज, तो ये नरसिम्हा का जो अवतार है ये जो हमें पुराणिक टेक्स्ट के अंदर मिलता है तो वो कहाँ से लिया होगा उन्होंने, इस बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा है। अब 8th चैप्टर मिलता है हमें, द डीमन एंड द डेटी कॉन्फ्लिक्ट सिंड्रोम इन द हयाग्रीवा लीजेंड। अभी एक टेक्स्ट है हयग्रीवा, उसके अंदर जो भी है डेटी और डीमंस का, जो देवता और दानवों की जो लड़ाई है उसके बारे में यहाँ पर हमें मिलता है। तो यदि आप ये बुक पढ़ना चाहें क्या और क्या तो देख सकते हैं, मैं बस चेक करने के लिए इसका रिव्यू बनाया हुआ है। आपको बुक रिव्यूज़ अगर मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई बुक ऐसी हो जो आप चाहते हैं अगर मेरे पास होगी तो मैं ज़रूर उस बुक का रिव्यू बनाऊंगा। मैं नई बुक्स खरीद के आपके लिए, हालांकि बुक रिव्यू नहीं बनाता हूँ अभी क्योंकि इतने सोर्सेज अभी मेरे पास नहीं है, बाकी मेरे पास पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।